तो वो रास कैसा होगा, जिस रास में काम को जलाने वाले महादेव गोपी हैं और श्री कृष्ण जो कि आगे जाकर कामदेव के पिता बनते हैं वो पुरुष है। संसार की दृष्टि में काम का चश्मा लगा है, इसलिए हम लोग इस रास में काम की वासना देख लेते हैं, पर सच ये नहीं है। ये रास कृष्ण ने किया ही इसलिए था जिसकी वजह से कामदेव को परास्त किया जा सके। जो कामदेव कहता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, उसी कामदेव को हराने के लिए रास की ये भगवान ने तैयारी करी थी। और इस रास में कामदेव को परास्त कर दिया था भगवान ने, और इसीलिए उसको जो अगला जन्म मिला भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का, प्रद्युम्न। पर इस बीच में एक और लीला है, गोपियों को अभिमान भी इसी बीच में हुआ। जब कृष्ण ने गोपियों की हर बात मानी, स्वागत की, स्वागतम्बो महावागा, स्वागत किया, उन्होंने ज्ञान भी दिया, पर भगवान समझ गए कि ये गोपियां मुझे ही सब कुछ मानती हैं, तो श्री कृष्ण ने उनकी भावना के मुताबिक उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बांसुरी वादन किया। और यहाँ पर एक और जो सबसे प्यारी घटना है वो ये है कि जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो हमें न्यूज़ों से या जो कहीं से हमको नॉलेज मिलती है, जो अटरम सटरम इंग्लिश पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बच्चों को बताते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। एक बच्ची मुझे हमेशा याद रहेगी, वृंदावन मिली थी, वो कनाडा में पढ़ रही है, पंजाब की रहने वाली बच्ची है। तो कनाडा की यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से रास का वर्णन कर रहे थे, और वो भारत की बेटी, पंजाब की बेटी, यहां से कथा सुन के गई थी। वो कथा सुनती है वहां भी, अभी भी, मैं भी, कि वो यूट्यूब पे सुन रही हो, मुझे नहीं पता सुन रही होगी कि नहीं, पर फिलहाल सुन रही हो मैं मानता हूं। और मैं उसका नाम बार बार, इसलिए नाम भी नहीं पता पर बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि उस बेटी ने भारत का नाम कनाडा की यूनिवर्सिटी में पूरा नाम किया। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वहां रास को उसी तरीके से बताया जा रहा था जैसे रास आजकल के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। उनको यही बताया जा रहा था, वो उसे नृत्य कर डांस कर रहे थे, वो कृष्णा इज लवर, वो लवर है, वो ये है, वो ऐसे करके बता रहे। तब उस बेटी ने खड़े होकर बताया कि सर यू आर टीचिंग अस रॉन्ग, आप गलत सिखा रहे हैं हमें। आई एम कम फ्रॉम इंडिया, आई नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रास। वो सॉफ्ट हो गए। उसने कहा फिर आप बताइए। फिर उसने विश्लेषण किया जो वो कथा में सुनती रही, और सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उस बच्ची का सम्मान वहां पर किया। लोग वो महान नहीं होते जो अपने ही इतिहास को, अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, लोग वो महान होते हैं जो अपने धर्म को अपनी जान पर खेल कर भी उसको आगे ले जाकर को। वो चाहती तो चुप रह जाती, जैसे कई लोग रह जाते हैं, कोई किसी की बुराई करे, धर्म की बुराई करे, उल्टा सीधा, हम लोग बड़े हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप में कैपेसिटी ही नहीं है कुछ अच्छा करने की, आप अच्छा करना चाहते ही नहीं है। वो भी चुप रह जाती, लेकिन वो चुप नहीं रही, उसने उसको आगे बढ़ाया। और एक और बात बता दूं मेरे प्यारे हो, ध्यान से सुनना, मैंने किसी भी धर्म के लोगों को अपनी धर्म पर जोक बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन निकृष्ट वो हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो कि है नहीं, जो सिर्फ कहते हैं, वो लोग हमारे ही धर्म पर, कभी राम पर, कभी हनुमान पर, कभी कृष्ण पर, कभी सुदामा पर, कभी इस पर, तमाम जोक बनाकर एक दूसरे को शेयर करते हैं और फिर लाइक भी कर देते हैं। धिक्कार है, डूब मरना चाहिए, तुम्हारी मां के उस दूध को लज्जा आनी चाहिए जैसे तुम जैसे नालायकों को उस दूध को पिलाकर बड़ा किया और धर्म को अपमानित करने का तुम जैसे मूर्खों को मौका दिया। बुरा लगे तो कल से कथा में मत आना, आई डोंट केयर, मेरे से नफरत करने वाले बहुत हो गए, सो आई डोंट केयर, लेकिन मैं धर्म की बात करूंगा और करूंगा, क्योंकि मुझे भगवान ने यही जिम्मेदारी दी है। मैं आपकी बटरिंग करने नहीं बैठा हूं यहां पे। बताइए कभी मुसलमान भाई अपने धर्म की बुराई करते हैं क्या? क्रिश्चियन भाई कभी अपने धर्म का मजाक करते हैं क्या? तुम में आग कैसे लग गई फिर?
तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हारा हिंदू कहां सो गया है? व्हाट्सएप पे लाइक करते हो, सुनते हो, लाइक करते हो, सुनते हो और फिर शेयर भी करते हो। अगर मेरे हाथ में कानून हो ना, धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। तुम एक काम तो कर सकते हो, जब तुम अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने धर्म को बुरा तो मत करो। अपने धर्म पर जोक बनाते हो। मैंने सिख भाइयों को देखा है अपने धर्म के लिए, कुछ लोग अभी पंजाब में मैंने देखा, वो भारत माता की, भारत माता मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। दो सिख भाइयों ने तलवार निकाल कर और इतने बड़े जमावड़े को बैंड बजा दी और भागने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ दो सिख भाइयों ने। और हम और आप होते तो, हम और आप होते तो हम फोटो खींच के कहते देखो ये हो रहा है, तूने क्या किया था वहां, उन दोनों ने किया वहां। हम ये नहीं कहते किसी को परेशान करो, लेकिन कोई मेरे धर्म और देश को नीचा दिखाए तो तेरी आत्मा को जगना चाहिए और उस समय तुझे भगत सिंह बन जाना चाहिए, उस समय तुझे सुभाष चंद्र बोस बन जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे अपना रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुमसे ब्लड नहीं मांग रहा हूं, एक सहयोग मांग रहा हूं। आज के बाद अगर कोई धर्म की निंदा करे तुम्हारे फोन पे, तुम्हारे फेसबुक पे और तुम्हारे व्हाट्सएप पे, कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म से संबंधित बुराइयां करता हो, अगर तुम अपने एक क्षण भी, एक सेकंड के लिए भी अपने आप को सच्चा हिंदू मानते हो, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक कर दो और ऐसे व्यक्ति से कभी बात मत करना अगर तुम अपनी मां के दूध की इतनी भी परवाह है तो। और अगर इसके बावजूद भी तुम ना मानो तो मैं समझूंगा कि तुम्हें अपनी मां का दूध नहीं पिया, किसी बकरी का दूध पिया होगा, तुम्हें अपने धर्म की कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद भगवान से कभी मत मांगना, क्योंकि जो भगवान को धर्म को दे नहीं सकता वो भगवान से मांगने का अधिकारी भी नहीं है। मांगना भी मत। हां जी कि ना जी, मेरी बात से कौन कौन सहमत है? हाथ उठा के बता सकते हो आप जो मेरी बात से सहमत है। तो प्रॉमिस करो अपने आप से कि आज के बाद ऐसे लोगों से कहीं भी मैं लिंक में नहीं रहूंगा जो हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों का उपास बनाकर उन पर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तुरंत उन लोगों को आप ब्लॉक करें और उनको ब्लॉक करके सिर्फ अच्छाई का प्रचार कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए और अपने सत्य सनातन धर्म को पूरे देश दुनिया तक फैलाइए। यही आपके सच्चे हिंदू होने की पहचान है। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे हिंदू की। Am I right या wrong? कृष्ण समझ में आ जाएगा, पहले अपने आप को पहचान ले।